प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे। दरअसल तजाकिस्तान के दुशांबे में ये बैठक हो रही है और हमारे विदेश मंत्री पहले से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो रेडिकलाइजेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने मुखर तौर पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बढ़ते कट्टरता से निपटने की जरूरत है। चुनौतीपूर्ण समय में SCO सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और सबसे बड़ी चुनौती शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। तो SCO समिट में प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने कट्टरता को लेकर भी कई बार कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से कई चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद आरोग्य सेतु ऐप से लेकर तमाम तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया, जो हमने भारत में यहां पर उन्होंने किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया से उसको साझा किया और हम गर्व महसूस करते हैं। चुनौतीपूर्ण समय में SCO सम्मेलन हो रहा है, अपने आप में ये बड़ी बात है। SCO की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से घट रहा है, किला रहा है। भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। SCO को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं SCO के रेट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने SCO रेट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी SCO पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है।